हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वाइबिंग। तो अभी तो 8:30 बज रहे हैं सुबह के और मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। आज कॉलेज वगैरह नहीं जाना है तो थोड़ा लेट ही सही। तो आज मेरा डेड लिफ्ट का सीन है। तो मैंने क्या सोचा, नॉर्मली तो मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ सुबह, कभी केला वेला हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी मैं 1 या 2 ब्रेड खाने वाला हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। ब्रेड वगैरह में तो ठीक भी रहता है, मैं वैसे नहीं खाता हूँ लेकिन ठीक है, कुछ कार्ब्स होने चाहिए। बाकी मैं ब्रेड खा के नॉर्मली वाइट ब्रेड भी नहीं खाता हूँ, लेकिन अभी नहीं है तो चलो ठीक है। और ब्रेड खा के मैं निकल रहा हूँ, लेकिन इनको देखिए अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, 8:30 बज रहा है और ये सो रहा है। नॉट्स अ थिंग कि हम लोग जब वापस आते हैं तब भी क्या ये सोता रहेगा। मुझे 50-50 सीन है कि हाँ मे बी ये सोता ही रहेगा, तो लेट्स सी, उसी टाइम देखेंगे। अभी के लिए मैं जिम निकल रहा हूँ, जिम में आज शूट नहीं करूँगा क्योंकि वही बेसिक सा बैक वर्कआउट है। कुछ नया अगर मैं ट्राई करता हूँ या कुछ नया हिट करता हूँ गोल अपना तो ज़रूर शूट करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द और अब हम लोग देखते हैं कि रिव्यू था कि नहीं, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 50-50 चांसेस हैं। तो लेट्स सी, तुम उठ गए हो, पढ़ रहे हो? बहुत पहले उठ गए। हाँ रहने दो, 8:30 बजे उठ गए। 8:30 बजे तुम गए थे? हाँ, किसी से भी पूछो, सर को आना है क्या जल्दी? वो तो 12:30 है, अभी उठ गए। नहीं वैसे भी उठ जाते हैं। नहीं निकले थे एटीएम से, आज मैं दूसरे एटीएम पे आया हूँ, तो लेट से ही आज निकलते हैं कि नहीं। पैसे आज निकल जाए तो अच्छा है, वरना फिर कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। बाकी ये कुछ एटीएम्स हैं जो मेरे घर के पास हैं, तो 2 में तो नहीं निकले थे, थोड़ा सा दूर ये एक है, यहाँ पे आई थिंक कि निकल जाना चाहिए। लेट सी क्या होने वाला है। एटीएम पे एसी अलग ही होते हैं ना। उसने रीड तो कर लिया है कार्ड मेरा, कैश विड्रॉल भी करा रहा है और मैं इसमें आई होप ये मेरा हो गया। पिन मैं आप लोगों को फिर से नहीं बताने वाला, बस वो आवाज़ सुनने को अब दिल तड़प रहा है मेरा। ये आई तो फाइनली कोई रसगुल्ला खाना पसंद करेगा, एक ही बचा है, बाकी सब विभू खा गया। और ये करीब मेरी 100 ग्राम पनीर होने वाली है आज के प्रोटीन इनटेक को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए, और ये 100 ग्राम मैं कल यूज़ करूँगा। और इसके साथ साथ चलिए कमरे में बैठ के खाते हैं आराम से। क्योंकि यहाँ की जो लाइट है वो थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कभी कभार इसमें मेरा फेस नहीं आ पाता। अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो बात क्या, आज का दिन तो वैसे ही रहा जैसे नॉर्मली रहता है यार। पनीर मुझे काटना आता है लेकिन कौन इतनी मेहनत करे जब आपको सब वही टेस्ट हो जाना है, वही शेप हो जाना है मुँह जाने के बाद, तो ऐसा रहने वाला है। मैंने पनीर के काफ़ी बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं, लेकिन कोई नहीं, मुझको ही खाना है। भाई तभी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, और मुझे पता है कि ये ऐसे साइज़ के सैशेज़ कोई भी नहीं ख़रीदता, सब ने चुराए होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना
अगर किसी ने इसको ख़रीदा है और अगर किसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कोई इसको चुराने की, तो वो भी शेयर करना, बताना मुझको कमेंट करके कि वो कैसी रही, पकड़े तो नहीं गए वगैरह वगैरह जो भी है। तो अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद एक चैलेंज है मेरे लिए, चैलेंज नहीं बस ये है कि थोड़ा सा काम है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ चैलेंज टू मी, तो लेट्स सी वो कंप्लीट कैसे होता है। ये एक ब्रीफकेस है और ये भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे स्कूटी पे अकेले अप्रॉक्स 7-8 किलोमीटर लेके जाना है, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है उस रोड पे, तो आई एम लाइक कि अकेले अगर कैरी हो जाए तो इट्स बेटर, वरना फिर बेबू को साथ में जाना पड़ेगा, विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि उसके टीचर आने वाले हैं और मैं टीचर का वेट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आई होप ये पहुँच जाए, कैसे सेटल होता है स्कूटी में वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग रात में मिलेंगे। बेबू फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के, बाय बाय बेबू। सेट तो हो गया, रास्ता कट गया अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा। और इस हेलमेट में भी मेरा ये दाना बड़ा अजीब सा दिख रहा है, किसी को अगर इसकी रेमेडी बताओ तो प्लीज़ मुझे बता देना, बाकी अब मैं रास्ते में शूट नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट वापस आते वक्त ही आप लोग से मिलूँगा या फिर रात में ही मिलूँगा। तो बाय बाय।